आपको एक क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि ना ए और बी दो पॉइंट होंगे और आपको ना ये करंट देगा इस तरफ और एक रेजिस्टर होगा और साथ में एक इंडक्टर लगा होगा और इसमें ना बोलेगा कि करंट इंक्रीज हो रहा है। केस नंबर वन बोलेगा करंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। जब करंट बढ़ेगा ना, ये इसको पसंद नहीं है करंट को बढ़ाना, ये आपको करंट को अपोज करेगा, आपकी वोल्टेज को भी अपोज करेगा और ईएमएफ इंड्यूस करेगा, सेल्फ सेल्फ इंडक्शन। क्वेश्चन आएगा कि करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है पूरी वायर में, डी आई बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 3 एम्पियर पर सेकेंड, 3 एम्पियर के हिसाब से करंट इंक्रीज हो रहा है। अब जब करंट इंक्रीज हो रहा है, कभी ना कभी करंट अब 1 एम्पियर भी हुआ होगा, जब करंट 1 एम्पियर है तो बताओ वी ए माइनस वी बी क्या है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किरचॉफ लॉ याद है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन करते थे, करंट की डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, वी ए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई इंटू फोर, वी ए माइनस आई इंटू फोर। अब इंडक्टर आ गया, इंडक्टर वोल्टेज क्या डेवलप करता है, एल डी आई बाई डी टी। अगर तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम्हारा करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये ईएमएफ नेगेटिव होगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि ये आपकी वोल्टेज को गिराएगा और इक्वल टू क्या कर देंगे, वी बी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करते थे इक्वल टू वी बी। तो वी ए से स्टार्ट होकर वी बी पर आ गए, तो वी ए करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, माइनस आई इंटू आर, इसमें तो हमेशा माइनस आई इंटू आर ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ में करंट अगर बढ़ेगा तो ये इसको नेगेटिव कर देगा। लेकिन सोचो, और हाँ, इसमें आई वी ए माइनस वी बी एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, डी आई बाई डी टी 3 एम्पियर है पर सेकेंड, आंसर। लेकिन इंपॉर्टेंट, अगर आपका करंट इसमें इंक्रीज ना होते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये नहीं चाहेगा, ये कहेगा अच्छा करंट डिक्रीज कर रहे हो, मेरे पोटेंशियल को गिरा रहे हो, मैं बढ़ा लूंगा। बढ़ाने के लिए अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, अब नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी रूल सेम है, वी ए माइनस आई इंटू आर, यहां पर प्लस एल डी आई बाई डी टी। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बी। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ये रहा, तो प्लस कर दिया, वी ए वी बी एक तरफ, सारी वैल्यूज पुट करो, आई पता है, डी आई बाई डी टी पता है आंसर। लेकिन अगर करंट कॉन्स्टेंट है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, फिर इंडक्टर लगाओ ना लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इंडक्टर ने कुछ करना ही नहीं है। तो सीधा वी ए माइनस आई इंटू फोर इक्वल टू वी बी, इंडक्टर का रोल ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन होगी नहीं, करंट कॉन्स्टेंट में एल डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, आंसर। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, अगर करंट बढ़ेगा, बस ये इंपॉर्टेंट ही है, अगर करंट बढ़ेगा तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, करंट घटेगा तो प्लस एल डी आई बाई डी टी, करंट अगर कॉन्स्टेंट है तो लगाना ही नहीं, बात ही खत्म होगी, आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आएगा।